सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री को शाबानो याद है, तबरेज़ अंसारी याद नहीं आया, इखलाक याद नहीं आता उनको, पीलू खान याद नहीं आते उनको, अलीमुद्दीन अंसारी याद नहीं आते उनको, याद नहीं आता कि उन्हीं के मंत्री के लोगों ने अलीमुद्दीन अंसारी के खातिलों को फूल का हार पहनाया था। तो और अगर कोई ये गटर में रहने की बात कर रहा है तो भाई आप हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? दीजिए ना मुसलमानों को, बैकवर्डनेस के नाम पर रिजर्वेशन दीजिए, चलिए निकालिए हमको, उठाइए ऊपर। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया के मैरिटी कैरेक्टर ख़त्म करना चाहते? हाँ, आपके पास एक मुस्लिम एमपी जीत के नहीं आता, आपके पास 300 में से कौन रख रहा है पीछे को नीचे? आप रख रहे हैं। इस पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी जीत कर आए 300 में से? आपके पास है ही नहीं। तो ये जो है ना, ये इनकी आइडियोलॉजी में, इनकी बोलने में और करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यकीनन नरसिम्हा राव रिस्पॉन्सिबल है बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी उसको बचा नहीं पाए। अब एक और प्रधानमंत्री हमारे पास मिस्टर मोदी के रूप में है, वो अपनी आइडियोलॉजी पर काम करना चाहते हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्रधानमंत्री को शाबानो याद है, तबरेज़ अंसारी याद नहीं आया, इखलाक याद नहीं आता उनको, पीलू खान याद नहीं आते उनको, अलीमुद्दीन अंसारी याद नहीं आते उनको, याद नहीं आता कि उन्हीं के मंत्री के लोगों ने अलीमुद्दीन अंसारी के खातिलों को फूल का हार पहनाया था। तो और अगर कोई ये गटर में रहने की बात कर रहा है तो भाई आप हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? दीजिए ना मुसलमानों को, बैकवर्डनेस के नाम पर रिजर्वेशन दीजिए, चलिए निकालिए हमको, उठाइए ऊपर।